हेलो फ्रेंड, कैसे हो? टेक्निक लील पॉइंट योगा फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि आप रेडमी नोट 10 प्रो या प्रो मैक्स को MIUI 12.5 पे किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, जो कि कुछ दिन पहले एक अपडेट रोल आउट किया गया था जो कि पार्सली रोल आउट था, काफ़ी लोगों को नहीं मिला था। आज की वीडियो में कवर करने वाला बिना TWRP बिना बूट लोडर अनलॉक किए हुए इस अपडेट को आप अपने डिवाइस के अंदर किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ चीज़ें थी जो मैं पहले वाले वीडियोज़ के अंदर मैंने मिस कर दी थी, वो भी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, क्योंकि उनसे भी बहुत कमेंट आते हैं। इसके फीचर्स प्लस चार्जिंग एंड बैटरी ड्रेन दोनों का टेस्ट का वीडियो मैंने पहले डाल रखा है, जिनके लिंक आपको आई बटन प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनको आप एक बार से जरूर चेकआउट कर लेना। तो आज के वीडियो में आपको बता देता हूँ, इस अपडेट के अंदर एक तो और शार्पनेस कर दी गई है, जो यहाँ पर डिस्प्ले के कलर हैं वो बहुत ज़्यादा रेड कर दिए गए, जो कि थोड़े बोरिंग लगते हैं। उसके बाद गाइस बात की जाए तो इस अपडेट के अंदर स्क्रीन फ्लिकरिंग का इश्यू बहुत कम है, लेकिन कोली के अंदर जो अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज किया गया अल्ट्रासोनिक, वो अभी भी इसमें प्रॉपर वर्क नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें मैंने मिस कर दी थी। अभी मैं आपको बताऊं किस तरीके से अपडेट करना है। तो गाइज ये जो अपडेट है, पहले इसको पार्सली रोल आउट किया गया था, लेकिन अभी भी इस अपडेट को पब्लिक रोल आउट कर दिया गया। तो आप अपने अबाउट फोन में आइए, यहाँ पर MIUI वर्जन में आइए, यहाँ पर आकर एक बार चेक कीजिए, या तो आपको ये अपडेट यहाँ पर शो हो जाएगा। यदि आपको शो नहीं होता है तो एक OTF फाइल आती है अपडेट की, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अबाउट फोन में MIUI का जो लोगो है आपके, उस पर 5 से 7 और टैप करना है, आपके अपडेट की एडिशनल सेटिंग को आपको ओपन कर लेना है। फिर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपके एक ऑप्शन आ जाएगा चूज अपडेट पैकेज, इस पर क्लिक करना है, इंटरनल स्टोरेज में जाना है, यहाँ पर आपको डाउनलोड्स में जाना है, और यहाँ पर आपको वो रोम मिल जाएगी जो कि आपने मेरे दिए गए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड की है। उसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद डिवाइस डिक्रिप्टिंग लेगा एंड सक्सेसफुली MIUI 12.5.1.0 पे अपडेट हो जाएगा। कुछ लोग ये बोल रहे थे इसके अंदर बैटरी का कोई इश्यू नहीं है, अभी इसके बैटरी वगैरह ओपी चल रही है, लेकिन गाइज ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है इसमें अभी भी वर्क नहीं करता। और कुछ चीज़ जो बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए इसकी जो और शार्पनेस कर दी गई है, पहले जो डिस्प्ले के कलर थे और अभी के जो कलर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट कर दिया गया। तो गाइज इस तरीके से आप अपने डिवाइस को MIUI 12.5 पर अपडेट कर सकते हो। थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है यार पूरे दिन वीडियोज़ बनाने से, तो MIUI 12.5.1.0 पर अपडेट कर सकते हो। आई होप गाइज ये वीडियो को जरूर पसंद आएगा। इससे रिलेटिव कोई भी क्वेरी, जो कोई भी सजेशन या आपके मेनू में जो भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिए, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।